हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फॉक टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके अकाउंट पे रीच कम आ रही है तो उसका क्या रीजन हो सकता है। कहीं आप शैडो बैन तो नहीं हो गए? अभी शैडो बैन क्या होता है, एक मिनट मैं बताता हूँ। तो गाइस, शैडो बैन का मतलब होता है कि आप कुछ स्पैमिंग कर रहे हो या कुछ अनजाने में ऐसे हैशटैग्स को यूज कर रहे हो जो अनब्रोकन है, तो आप उनकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो शैडो बैन हो जाता है। शैडो बैन होते ही आपका जो पोस्ट है वो सिर्फ आपके फॉलोअर्स तक लिमिटेड रह जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें आपका अकाउंट पब्लिक होते हुए भी प्राइवेट हो जाता है। तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वही आपकी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको नए फॉलोअर्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस केस में क्या कर सकते हैं अपन, कैसे चेक करेंगे कि पहले अपना अकाउंट शैडो बैन हुआ है या नहीं? तो पहला स्टेप, कोई भी एक ऐसा पर्सन ढूंढो जो आपको फॉलो नहीं कर रहा, फिर आप कोई नई पोस्ट करो। नई पोस्ट करने के बाद उसमें हैशटैग्स को डालना जरूर। अब उन हैशटैग्स को देखना उस बंदे के फोन से जो आपको फॉलो नहीं कर रहा। अगर आपकी पोस्ट विजिबल है तो आपका अकाउंट शैडो बैन नहीं है, गुड न्यूज फॉर यू। अगर वो विजिबल नहीं है तो आपका अकाउंट शैडो बैन है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो? इस केस में गाइस दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि आप 10 से 15 दिन इंस्टाग्राम बिल्कुल छोड़, आप इंस्टाग्राम को चलाओ ही नहीं। इस केस में क्या होता है, 90% तक लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और उनका अकाउंट रिकवर हो जाता है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इंस्टाग्राम की जो हेल्प सेंटर है वहाँ क्वेरी डाल दो कि मेरा अकाउंट शैडो बैन हो गया है, बट आई डोंट नो मैंने कौन सी आपकी गाइडलाइन को एक्सपॉइल किया है या कुछ भी ऐसे स्पैमिंग कर दी, मुझे पता नहीं है। आप एक ऐसा मैसेज डाल सकते हो उनकी टीम को, तो वो रिव्यू करेंगे और आपका अकाउंट आ जाएगा, इन दो ट्रिक से आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि अब आगे अपन कैसे बच सकते हैं शैडो बैन से। तो गाइस, आपको हर पोस्ट में सेम कंटेंट नहीं लेना, हैशटैग्स को आपको चेंज करते जाना है, और जब भी आप पोस्ट डालते हैं तो कोशिश ये करो कि पोस्ट गाइडलाइन के अंडर हो, कोई गाइडलाइन के बाहर ना हो। इंस्टाग्राम की पोस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, तो आपका जो अकाउंट है वो शैडो बैन नहीं होगा। और आप हर किसी को मैसेज मत भेजो, लोगों को अनफॉलो फॉलो मत करो, इससे क्या है आपका अकाउंट स्पैमिंग में काउंट होता है और वो शैडो बैन हो सकता है। गाइस, एक सीक्रेट ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि फोकस अपने कंटेंट पे करो, फॉलोअर्स में मत करो। बिकॉज अगर आपके 100 फॉलोअर्स हैं और आपके लाइक 70 से 80 आते हैं तो आपका कंटेंट ऑसम है, लेकिन अगर आपके 1000 फॉलोअर्स हैं और आपके लाइक 50-60 आते हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हो। बेसिकली आपके अकाउंट की जो रीच है वो परसेंटेज में आप देखोगे तो वो बहुत कम है। तो बेसिकली अपन को एक्टिव फॉलोअर्स पे जाना है तो अपन को कंटेंट पे मेहनत करना पड़ेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना। थैंक यू गाइस।